Students, today's our objective is to verify the Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law states that around any closed loop or a path in a circuit, the algebraic sum of all electric potential difference is equal to zero. This is our experimental circuit. यहाँ हमने थोड़ा सा complicated circuit बनाया हुआ है Kirchhoff's voltage law के लिए. इसको easy circuit से भी solve किया जा सकता था. यहाँ हमने थोड़ा सा difficulty level बढ़ाया है. यहाँ पर हम दो power supply use कर रहे हैं, E1 and E2. E2 power supply हम constant रखेंगे, जबकि E1 जो power supply है उसको वेरिएबल पावर सप्लाई यूज़ किया हुआ है हमने, जो कि 0 टू 30 वोल्ट वेरी कर सकते हैं, 4 से 5 रीडिंग लेने के लिए. तो आप देखिए, जो फर्स्ट लूप है इस में अगर हम इस लूप को वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वेशन फॉर्म करें, तो बैटरी का जो पॉजिटिव साइन है, अगर क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं लूप वन में, तो बैटरी का पॉजिटिव साइन है उस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ईवन जो पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे. रेजिस्टेंस आर वन पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, माइनस वी वन. और जो आर टू रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा उस वोल्टेज को हम माइनस साइन से एज्यूम करेंगे. तो हमारा फर्स्ट लूप का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी ई वन माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू जीरो. ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगा फॉर फर्स्ट लूप. सिमिलरली सेकंड जो लूप है उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इक्वेशन फॉर्म करें इसका, तो बैटरी का पॉजिटिव साइन, इट मीन्स जो E2 बैटरी है उसका पोटेंशियल हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे. R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा उस वोल्टेज को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करता है, तो माइनस V3. एंड अगेन R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस V2 इक्वल्स टू जीरो. तो लूप टू के लिए जो इक्वेशन होगा दैट विल बी E2 माइनस V3 माइनस V2 इक्वल्स टू जीरो. तो फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप के लिए इस तरह से ये दो इक्वेशन फॉर्म हुए. एक्चुअली वोल्टेज लॉ प्रूव करने के लिए इसमें साइन कन्वेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ पर किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इक्वेशन फॉर्म होगा E1 माइनस V1 प्लस V3 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो. दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन. ये पूरे लूप का इक्वेशन है. अगर हम R2 रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें इस सर्किट से, तो ओवरऑल जो लूप बन रहा है उस लूप के लिए जो इक्वेशन है वो है E1 माइनस V1 प्लस V3 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो. तो इस तरह से इस सर्किट के ये तीन इक्वेशन फॉर्म हुए हैं. ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ प्रूव हो जाएगा. इसके लिए आपको R1, R2 और R3 इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना रहेगा. वोल्टेज हमेशा पैरेलल में मेजर किया जाता है, तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको V1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे उसको V2 से, और R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा उसको V3 से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर. और ये तीनों वैल्यूज आप फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए, इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए. E1 और E2 जो बैटरीज हैं उनके पोटेंशियल आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आपको जीरो फाइनल आंसर आना चाहिए, और ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं इट मींस आपने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ प्रूव हो गया.
ये ब्रेडबोर्ड मैंने शो किया हुआ है, ये टेम्परेरी कनेक्शंस लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ मैंने पिंक कलर का एक स्ट्रिप शो किया हुआ है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे होल्स जो है इंटरनली कनेक्टेड हैं। एक्चुअली ये प्लास्टिक मटेरियल जो आप देख रहे हैं ब्रेडबोर्ड में, अगर इसको हम प्लास्टिक मटेरियल को रिमूव कर दें देन नीचे जो है कंडक्टिंग प्लेट्स लगे हुए हैं। तो ये ए वाला जो स्ट्रिप है, इस तरह के ये चार सेट है ऊपर, ये सभी इंटरनली कनेक्टेड है। सिमिलरली जो ऊपर पार्ट बना हुआ है वही सेम नीचे भी बना हुआ है, और जिस स्ट्रिप को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये पूरा एक कॉलम है, ये कॉलम इंटरनली कनेक्टेड है। यानी ये पांच होल्स, फाइव होल्स का जो सेट, फाइव होल्स हैं ये इंटरनली कनेक्टेड है। अगर आपको ब्रेडबोर्ड की कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाती है देन कनेक्शन लगाना आप लोगों के लिए ईजी जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ आवर सर्किट डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमने दो पावर सप्लाई यूज़ किए हुए हैं। एक पावर सप्लाई हम कांस्टेंट रखेंगे जबकि दूसरा पावर सप्लाई हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक, दिस इज़ आवर ब्रेडबोर्ड, ब्रेडबोर्ड में हमने ऑलरेडी कनेक्शंस लगाए हुए हैं। ब्रेडबोर्ड में कनेक्शंस लगाने के वैसे तो काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन सर्किट आपको ठीक वैसे ही लगाना है जैसे कि आपकी सर्किट डायग्राम है, और हमने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है आर वन, दिस वन, ये आर वन है, ये आर टू है, और ये आर थ्री है। तो इस तरह से हमने तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हुए हैं ये, और दो पावर सप्लाई लगाए हुए हैं। ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम यहाँ से 5 वोल्ट, देख रहे हैं आप। ये दो टर्मिनल हैं, एक रेड कलर जो है पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि ब्लैक कलर निगेटिव टर्मिनल है। क्लियर। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल पावर सप्लाई है, यहाँ से हम 8 वोल्ट अप्लाई करेंगे। ये हमने 8 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, या ये पावर सप्लाई आप 0 to 30 वोल्ट वेरी कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी दो टर्मिनल हैं, रेड कलर पॉजिटिव और एंड ब्लैक कलर फॉर नेगेटिव। क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज V1। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में हमने 20 वोल्ट का वोल्टेज रेंज अप्लाई किया हुआ है, ये डीसी वोल्टेज रेंज है, यहाँ से हम 20 वोल्ट का वोल्टेज रेंज अप्लाई कर रहे हैं, ये दिस वन। और वोल्टमीटर में भी ये रेड कलर जो है पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करता है जबकि ब्लैक कलर नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। तो हाई पोटेंशियल एंड पर हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और लो पोटेंशियल एंड पर निगेटिव टर्मिनल यानी कि ब्लैक वाला जो टर्मिनल है वो लगाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम मेज़र कर रहे हैं अभी। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज मेज़र किया विच इज़ 3.70 वोल्ट। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, V1 का वैल्यू है 3.70 वोल्ट। ठीक है, नाउ अब हम रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल हम हाई पोटेंशियल एंड पर रखेंगे, ये दिस वन, एंड नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल एंड पर। और अब जो वोल्टेज मिलेगा हमें दिस इज़ 4.36 वोल्ट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ V2। 4 V2 का वैल्यू आया 4.36 वोल्ट। क्लियर। नाउ वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ V3, ये R3 जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे। नाउ ये R3 रेजिस्टेंस है,
इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इसका वैल्यू है, एक मिनट, सॉरी टर्मिनल मैंने उल्टे लगा दिए हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल एंड की साइड लगेगा दिस साइड, और लो पोटेंशियल एंड की तरफ नेगेटिव टर्मिनल। ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट, पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी थ्री, वैल्यू ऑफ वी थ्री इज पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट, क्लियर। एंड वैल्यू ऑफ ई वन इज, ई वन इज 8 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ ई टू इज 5 वोल्ट। ठीक, तो ये सारे वैल्यूज मुझे मिल गए हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो तीनों इक्वेशन है फॉर लूप वन के लिए, जो इक्वेशन है दैट इज ई वन माइनस वी वन माइनस वी टू शुड बी जीरो, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। द इक्वेशन फॉर लूप टू इज ई टू माइनस वी थ्री माइनस वी टू इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन, इफ वी रिमूव दिस ब्रांच ऑफ अवर सर्किट, दिस ब्रांच, अगर अगर हम इस ब्रांच को रिमूव कर दें तो ओवरऑल लूप के लिए जो इक्वेशन बनेगा दैट इज ई वन माइनस वी वन प्लस वी थ्री माइनस ई टू इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो जो हमने वैल्यूज़ निकाले हैं ई वन ई टू वी वन वी टू वी थ्री के, इन वैल्यूज़ को आप इन इक्वेशंस में पुट कर दीजिए और आपको जो है जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो वो पार्ट ऑफ एरर है, एक्सपेरिमेंटल एरर जिसको बोलते हैं, अदरवाइज़ जो है आपके ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे और इस तरह से ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ प्रूव हो जाएगा।